तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित एक इंडियन बैंक एटीएम सर्विस सेंटर में गुरुवार को अचानक आग लग गई। जब एटीएम से काफी धुआं निकलने लगा तो लोगों ने फायर स्टेशन को फोन किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को किसी तरह से काबू पाया गया। इसके बाद एटीएम मशीन में मौजूद पैसों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग की वजह से यूपीएस, एसी और इलेक्ट्रिक बोर्ड को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है।